मैं आपसे पूछूंगा, एज अ वुमन आपको कभी लगा कि यार ये मेरे सामने दिक्कतें आई, और अगर आई तो आज की जो यंग गर्ल आप बोल सकते हो, वुमेन आप बोल सकते हो, जो मान लो हो सकता है छोटी क्लास में हो, 8th 9th 10th हो सकता है, कॉलेज हो, कॉलेज ग्रेजुएट हो, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कुछ एक दिक्कतें आई, 100% आई. It will be a lie if I say no equality. नहीं, बहुत दिक्कतें आई है. Especially because coincidentally ऐसा हो गया कि magicians सारे usually men होते, बहुत female magicians होती नहीं है, और मैं उस field में घुस गई. मेरे को आज भी आती है सोशल मीडिया पे, इट्स अ वेरी टास्क टू बी अ फीमेल इन्फ्लुएंसर. मैं हर रोज मेरा इंस्टाग्राम का अदर्स का सेक्शन खोलूंगी और एक ना एक मिनिमम एक वल्गर कमेंट होगा ही होगा. आई फील लाइक कि क्या जरूरत है ये करने की यार, इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो उस तरह से हो, चाहे वो कम्युनिटी से हो, मैनेजमेंट से हो, नेटवर्किंग से हो. बहुत बार लड़कियां आगे बढ़ जाती तो बोलते अरे इनके तो अलग तरीके होते हैं आगे बढ़ने के. सो देर आर अ लॉट ऑफ वेज जो हम चीजें सुनते हैं. इनफैक्ट जब मैं मैजिक शुरू करी थी, जब मैं बच्ची थी, स्कूल नहीं जा रही थी, एंड मैजिक इज अगेन एक फील्ड जो बहुत इंडिया में ऊपर नहीं देखा जाता था पहले. मेरे खुद के रिलेटिव्स ने बोला कि अरे लड़की है, जादू करती है, स्कूल नहीं जाती, इससे कौन शादी करेगा, इसका क्या होने वाला है. रोज सुनती थी मैं ये सब, और इन सब सुनने के बावजूद आपको काम करना पड़ रहा था एज लाइक 10 year old. आप बच्चों को ये क्यों बोलेगा, लेकिन मैं सुनती थी. सो टू एवरीबडी, ऑल द गर्ल्स लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आपको तकलीफें आने वाली है, दैट्स इट. नाउ आपके ऊपर आपको क्या करना है, डू यू वांट टू गिव अप टू गिव अप, यू वांट टू डू इट. लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि तकलीफें नहीं आएंगे और ये सब चीजें नहीं हो तो ही मैं करूंगी, दुनिया बुरी है इसलिए मैं काम नहीं कर सकती, अनदर थिंग, दुनिया तो लड़कों के लिए भी बुरी है. आई मीन दुनिया जनरली ऐसी है. अगर एज अ गर्ल मेरे एक सेट ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, डज नॉट मीन कि एक लड़के के कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए होंगे. उसके अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे. शायद मेरे प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकते थे अगर समाज थोड़ा बेटर होता. इसलिए मुझे इन प्रॉब्लम्स से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट. लेकिन क्या मैं इसको अपने आप को रोकने दूंगी? नो. ऐसे मैंने कहा, डेस्परेट बनो, मुझे कोई नहीं रोक सकता. वो अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा यार, मुझे करना है. चाहे मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ, इट डजंट मैटर टू मी. मेरे पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ा यार, मैं लड़की थी क्या लड़का थी. उन्होंने कहा जो करने को करना है तो कर, करेक्ट. ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा एज अ गर्ल. मेरे भैया, मेरे भाई को जितनी फ्रीडम मिली लाइफ में, मुझे उतनी नहीं मिली. बिकॉज आई टू कम फ्रॉम अ कन्वेंशनल फैमिली. मैं मस्त एकदम राजस्थान की मारवाड़ी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ गाइस. मतलब 23 साल, अरे सही, 23 साल में मेरी बहनों की शादी हो चुकी है गाइस. मेरी बहनों के अभी बच्चे हैं. तो आई कम फ्रॉम देयर, जहाँ मेरे पे प्रेशर भी था शादी का. लेकिन अगेन कम्युनिकेशन, बातें करो, उनको बैठ के हर दिन समझाया. जिस दिन कॉन्वर्सेशन हो, ऐसे नहीं कि मैं चिड़की उठ के निकल गई वहां से कि आप लोगों को समझ नहीं पड़ता मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में. नहीं, आओ आपको शादी की बात करनी है, आओ बैठते करते हैं शादी, क्या करना है बताओ. इट इज इम्पोर्टेंट टू, ये सब कब होगा, जब आपको खुद पे इतना कॉन्फिडेंस है. खुद पे इतना कॉन्फिडेंस ला दो गाइस कि जब भी कोई सामने आए ना, आप लड़ो नहीं उससे. इतना कॉन्फिडेंस लाओ आप में कि मैं उस बंदे को कन्विंस कर सकता हूं, या उस बंदे को कन्विंस कर सकती हूं. दैट इज एक्चुअल कॉन्फिडेंस. मैं जाके उससे लड़ सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट इज इनसिक्योरिटी. फॉर मी कॉन्फिडेंस ऑलवेज बीन हूएवर यू वांट टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बैठाओ. मैं, मुझे पता है मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसको बात करके या तो मैं कन्विंस कर लूंगी, या तो भाई आई रिस्पेक्ट योर व्यूज, आई हैव माय ओन व्यूज, टाटा बाय बाय. मुझे दुनिया बदलने नहीं जाना, मुझे बस अपनी किस्मत बनानी है, that's it. मैं हमेशा पहले मैं सोचती थी दुनिया को बदलो, ये क्यों ऐसा सोचते, उनको सिखाओ. मुझे किसी को नहीं सिखाना. अभी मुझे मेरा जीवन बनाना है. जिसको सीखना है वो सीख जाएंगे, नहीं सीखना है तो मैं क्या करूँ. चाणक्य ने यार एक चीज कही थी कि अगर आपको दुनिया जीतनी है तो बस आप अपनी जुबान पे लगाम लगाएं, किसी के लिए बुरा मत बोलो और आप दुनिया जीत जाओगे. सेम चीज अगर आप बिल गेट्स को देखोगे तो उन्होंने कहा नेवर, अगर बेसिकली किसी को भी अपना दुश्मन मत बनाओ, सारे दोस्त बनाओ. हो सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है 4 साल बाद आपको काम आए. तो कभी भी किसी के लिए बुरे मत, डिस्टेंस कर सकते हो आप अपने आप को. पर नेगेटिव शब्द बोलना, हाँ वो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है. कोई बुरा करता है तो 4 शब्द आपने बोल दिए तो एकदम से सुकून सा मिलता है, रिलीज होता है. पर उसी को आप रिलीज नहीं करोगे तो वो अंदर आपको फ्यूल करेगा. ठीक है, बोल लो. एक चीज मैंने पढ़ी थी कि एक आदमी भाग रहा है, बहुत अच्छा भाग रहा है, और उसे पीछे से लोग लात मार रहे हैं, तो वो तो और तेज भागेगा. आप किसी को पीछे से लात मारोगे वो और तेज भागेगा.
तो आज मैं ऊपर इतना इसलिए हूँ क्योंकि लोगों ने लातें बहुत मारी है मुझे. तो,